व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों होने भी चाहिए। जब तक दोस्तों हम आपके साथ में हैं तब तक दोस्तों कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसे ही अवेयर करता हूं फेक प्रोडक्ट से, फेक लोगों से जो कि आपके साथ में स्कैम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हो कि भाई हम स्कैम से बचते रहे, कोई हमसे फ्रॉड ना कर सके, तो भाई इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां मिलती रहेगी कि क्या ओरिजिनलिटी है, क्या लोकेलिटी है दोस्तों, ठीक है। और भाई सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि जो सपोर्ट आप लोगों ने मेरे पे दिखाया ना, आप लोगों ने जो ट्रस्ट मेरे ऊपर दिखाया भाई, अनबिलीवेबल दोस्तों। मुझे पता नहीं था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो भाई। लव यू सो मच गाइज, लव यू सो मच। तो इसी के चलते मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी भाइयों, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं कॉटन में जो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा हो और मतलब किसी कारीगर के द्वारा ना बनाया गया हो, ठीक है ना। कॉटन में क्या होता है, कॉटन के मांजों में हमेशा से हमें एक ही चीज पता है स्टार्टिंग से, कि यार कॉटन के जो मांजे होते हैं कारीगर बनाते हैं, बड़े बड़े कारीगर बनाते हैं, है ना। जो बरेली में पाए जाते हैं, लखनऊ में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सी सिटीज ऐसी है, कानपुर में है, वहां पे बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेकर बनाते हैं। तो हमारे दिमाग में यही छपता है कि यार वो तो अपनी मन मर्जी के रेट बेचते हैं, और इतना महंगा मांजा हम लेके भी करें तो करें क्या, है ना। कॉटन पे तो भाई आजकल बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो 21-22 साल के यंग एज के लड़के हैं, ये भी सोचते हैं कि यार इनमें मांजों में कुछ नहीं रखा, उड़ाओ तो प्लास्टिक उड़ाओ, लोकल उड़ाएंगे लेकिन मजा लेंगे 100-200-300 रुपए में। तो भाई ये सबसे पहली चीज़ तो आप निकाल दो, क्योंकि कॉटन की मांजों के ऊपर जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना, और मुझे पहले ऐसे ही लगता था भाई कि यार कॉटन के जो मांजे हैं वो तेज़ हवा में टूट जाते हैं और ये कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, लेकिन सच बात तो यह है जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं तो गाड़ी चलानी आएगी नहीं, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। मैंने दोस्तों खुद से एक्सपीरियंस किया था, मैंने जब पहला एडिशन अपना मांजे कॉटन का लेके आया था भाई, उस मांजे ने मुझे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिया था। आपकी भाषा में बोलते हैं ना चाइनीज मांजा, है ना, मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ। उसकी तो भाई खाल उतार दी थी, खाल बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने आगे एडिशंस और क्यों नहीं लाया। दोस्तों प्रॉब्लम ये है, जिस कारीगर का लेबल बनाया हुआ बहुत ही पॉपुलर हो जाता है तो भाई वो उसके ऑटोमेटिकली अपने यहाँ से उसके रेट भी बढ़ा देता है, और जो कि आम जनता की जेब पे फर्क पड़ता है। दोस्तों हमारे पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई, हम तो आए और उड़ाए अपने मजे से, हमने शौक पूरा कर लिया, क्योंकि हमें शौकीन बनते, लेकिन हमें औरों का भी तो देखना है दोस्तों। मतलब दोस्तों ऐसे लोगों की इतनी भी शर्म नहीं है, उनको जरा सी अगर शर्म होती तो भाई उनकी जेब का भी वो ख्याल रखते। बात तो सही है। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, पेश है आपके सामने ये खतरनाक ब्रांड जो कि आप देख रहे हो दोस्तों, रेड मॉन्स्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों ऐसी कंपनी में बहुत टाइम से ढूंढ रहा था जो कॉटन मांजे में इस तरीके से बनाकर दे, ऐसा दोस्तों गट्टू हो और उसमें कॉटन के मांजे भर भर के आए और बजट में भी आपके फिट बैठ जाए, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता दोस्तों ज्यादा महंगे मांजे कॉटन में आप यूज करो, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत से लोग होते हैं जो कॉटन में ज्यादा महंगे मांजे नहीं खरीदना पसंद करते। तो मैं यही देख रहा था कि कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो बढ़िया काम करे, बढ़िया मांजा बनाए और उसके रेट भी जायज हो। तो भाई ये है रेड मॉन्स्टर। आज मैं दोस्तों आपको इसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा, इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान बताऊंगा और इस मांजे में कितना काम हुआ है कंपनी के थ्रू, कैसा काम हुआ है, वो सब मैं आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों। बस अगर चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे प्यारे भाइयों इतना प्यार देते हो आप लोग, बस थोड़ा सा और प्यार दो ताकि जलने वालों के नहीं हो जा, ठीक है ना। ओके तो चलो दोस्तों इसमें आप देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। चलो भाई तो दोस्तों पेश है आपके सामने रेड मॉन्स्टर, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको आज इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान बताऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या ओरिजिनलिटी की पहचान है और ये किस कंपनी का प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आप ऊपर की साइड में देखिएगा रेड मॉन्स्टर लिखा हुआ है, इस पे पन्नी चढ़ रही है तो थोड़ा सा इसमें आपको वैसा दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी पन्नी थोड़ा सा उतार दूं, यहां से उतार दूं तो इसके आपको इसको आप फिर आपको इसको क्वालिटी का पता लगेगा। ये देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त दिख रहा था, पन्नी लगा के थोड़ा सा फेड फेड दिख रहा था, ठीक है ना। और रेड मॉन्स्टर में ये आप नीचे की तरफ देख रहे हो ना, ये ब्लेड से टपक रहा है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर रेड मॉन्स्टर कहीं पे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा तो भाई इसमें ये जो नीचे नीचे टपक रहा है ना, ये बूंद बूंद से गिर रही है, इसमें ये ब्लड से टपक रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है, इसकी ओरिजिनलिटी सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको ये बता दी। और जो ये सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये मॉन्स्टर जैसा आप डेविल देख रहे हो, ये खतरनाक तरीके से देखे दोस्तों, इसकी रेड रेड आईज, भाई साहब क्या चीज़ बनाई यार कंपनी ने, खतरनाक एक नंबर की, मतलब देखते ही बनता यार, मतलब नाम भी वैसा और काम भी वैसा यार। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ देखिए एडजी प्रोडक्शन, ये कंपनी जो है एडजी के नाम से है, ठीक है, जो जिसने रेड मॉन्स्टर का लेबल दिया है दोस्तों। एडजी कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है, 100% कॉटन थ्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सुपर शार्प, ठीक है, ये दो तीर के निशान आपको यहाँ पे इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम लेबलिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी फर्क महसूस हो दोस्तों तो समझिएगा वो प्रोडक्ट आपका बिल्कुल एकदम फेक प्रोडक्ट है और आप उसको मत लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आता है तो भाई उसमें चांसेस सबसे ज़्यादा ये बन जाते हैं कि उसकी कॉपी आ जाती है सबसे पहले। मतलब इंडिया में एक से एक मास्टर पढ़ा है, कॉपी मास्टर पढ़ा है दोस्तों, वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले कॉपी करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना।
लेकिन दोस्तों उस कंपनी ने इसमें इतना काम करके दिया है कि भाई वो थोड़ा सा मतलब 90% तो कॉपी कर नहीं सकता, 10% मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। लेबल की कॉपी की बात कर रहा हूँ, मांझे की तो कॉपी उस पर हो ही नहीं सकती, मांझे तो अंदर वो कोई से भी भर के दे देगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऑडियंस को तो पता लगेगा भी नहीं। दोस्तों यहाँ का मैंने आपको बता दिया और यहाँ का मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं हम फ्रंट की। यहाँ पे दोस्तों आपको गोल पट्टी मिलेगी, उस पट्टी में क्या लिखा हुआ पहले ये समझिएगा, रेड, और यहाँ पे लिखा है मॉन्स्टर, ठीक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो रेड मॉन्स्टर है ना ये कैसा लिखा है, ये इसमें भी दोस्तों ब्लड नीचे की तरफ टपक रहा है, ये देखिए दोस्तों। सबसे बढ़िया मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनलिटी की पहचान बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एक मुखौटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वही डेविल देखने को मिलेगा जो कि आपने यहाँ पे देखा था, जब ये दोनों पट्टी आपस में चिपकेगी ना तो वही डेविल यहाँ पे आना चाहिए, वही डेविल आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डेविल यहाँ है तो उसका दूसरा वाला डेविल आपको रेड के बीच में देखने को मिल गया। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो समझिएगा वो प्रोडक्ट आपका बिल्कुल एकदम फेक प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये कुछ मैंने आपको ओरिजिनलिटी की पहचान बताई है। दोस्तों प्रोडक्ट देखने में तो बड़ा ही डेंजर लग रहा है, नई नई कंपनी है एडजी, तो इन्होंने अपना नया नया कॉटन में प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिनका पहला लेबल निकल गया है रेड मॉन्स्टर। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट मुझे लगा देखने में, मतलब प्रोडक्ट की लेबलिंग और इनकी फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त है भाई। अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, सबसे पहली बात तो वो जानने वाली है, क्योंकि भाई क्योंकि इस कंपनी पे मैंने कम से कम एक साल वेस्ट किया है दोस्तों, एक साल मैंने कंपनी को ढूंढा है, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी क्वालिटी देखी है, तो तब जाके मैंने इसको डिसाइड किया कि हाँ मैं ये चीज ऑडियंस के सामने लेके आऊं, ताकि भाई ऑडियंस को पता लगे कि हाँ भाई मार्केट के अंदर अभी और क्या क्या नया आने वाला है। तो भाई दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग ना मैं टेस्टिंग पे ही फाड़ूंगा, यार मजा नहीं आएगा अभी मैं इसको फाड़ के आपको दिखा दूं ये वो करके, बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। जब मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा मैं आपको इसका मजा निकाल के दिखाऊंगा भाई कितनी शार्पनेस है, क्या है क्या नहीं है। फिलहाल इसके अंदर कंपनी ने कैसा काम किया है, कैसा केमिकल लगाया है, फिलहाल मैं इसकी केमिकल्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया वालों को पसंद आता है बिल्कुल एकदम कड़क मांझा, धार एकदम जिसमें कड़क एकदम फर्स्ट क्लास हो, तो वही चीज़ सोच के मैंने इंडोनेशियन वाले मांझे पे भी जो मैंने खुद के बताए हुए केमिकल्स उस पर गिरवाए थे, तो वही केमिकल मैंने इस एडजी कंपनी से गिरवाए है कि भैया ये केमिकल डाल के दो, क्योंकि मैंने उनके केमिकल्स देख लिए थे कि भैया इनके केमिकल कैसे डाल रहे हैं अपने मांझों पे, जो वे बना रहे हैं एडजी वाले कॉटन मांझों पे केमिकल कैसे डाल रहे हैं, तो मुझे उनके केमिकल कुछ खास पसंद नहीं आए थे, ठीक है ना। शार्पनेस तो उनमें भी थी, बढ़िया बना रहे थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने अपने वाले केमिकल उन पे डलवाए जो कि मैं इंडोनेशिया वाले पे डलवाता हूँ। वाओ, तो अब फर्क इतना रहेगा कि ये कॉटन में है और वो आपका सिलिकॉन में है। तो दोस्तों बात ये है कि ये कॉटन में कैसा काम करेगा वे वाले केमिकल डलवा करके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको उसका काम दिखा देता हूँ कि कंपनी ने इस पे कैसा काम किया है। कमेंट जल्दी जल्दी करो और बताओ कि इसका टेस्टिंग कब लेके आऊं मैं, ठीक है। अब आप इसका काम देखो दोस्तों, ये देखिए तो शार्पनेस देखिएगा मांझे की कैसी जबरदस्त शार्पनेस है भाई। ओए देखिए दोस्तों क्या शार्पनेस है, खतरनाक वाली भाई। मांझा तो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तबाही मचाने वाला है भाई, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, ओए भाई क्या शार्पनेस है भाई, ये देखिए दोस्तों शार्पनेस देखिए इस मांझे की आप, ये देखिए शार्पनेस, ओ तेरी भाई क्या गजब है भाई, गजब मचा देगा, गजब गजब भाई साहब, दबा करके उड़ाओ वो मरा। अब यार ये नहीं पता चल रहा मुझे कितनी पतंग काटेगा या हम कटवाएंगे, लेकिन मांझे की धार और मांझे की शार्पनेस देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम तबाही मचाने वाले हैं इस मांझे से, तबाही देख ली भाई। अब दोस्तों इसकी जो प्राइस होने वाली है वो इंडिया में कितनी होने वाली है, ठीक है ना। इसकी टेस्टिंग पे ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। अगर आपको दोस्तों आगे का वीडियो देखना है तो इसकी टेस्टिंग की वीडियो जरूर देखना प्राइस जानने के लिए। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1-2-3 पे बनाया है या 8400 पे बनाया है या फिर त्रिशूल पे बनाया है, किस पे बनाया है ये। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भाई अपना कोई ऐसा लेबल वेबल तो इस पे लगाया नहीं है कि भाई ये 8400 पे बनाया है या उस पे बनाया है, ये उन्होंने अपने हिसाब से ही डिज़ाइन किया है, अपने हिसाब से ही बनाया है दोस्तों। तो भाई 1-2-3 की जो धार होती है थोड़ी पतली होती है, ठीक है ना, और इस मांझे की थोड़ी धार थोड़ी हल्की मोटी है, हल्की सी मोटी है, और इससे आप एक तवा तक आराम से उड़ा सकते हो। और रही बात दोस्तों प्रूफ करने की, वो मैं इसकी टेस्टिंग पे प्रूफ करूंगा कि हाँ भाई कंपनी ये सही कह रही थी या नहीं कह रही थी, ठीक है। बाकी मांझा मुझे देख करके बड़ा जबरदस्त लग रहा है, इसकी शार्पनेस भी, उसकी डिजाइनिंग, इसकी लेबलिंग बड़ा ही खतरनाक है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलूंगा आपसे टेस्टिंग पे, कमेंट में बताओ कब करे कब ना करे। बस दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहना, मैं मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।